क्लास में तो
कोई आपको मालिक बनाने वाला नहीं होगा। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अंग्रेजी बड़े ज्यादा थे, जब उनको पता चला कि हमारे देश में अंग्रेजी भाषा का पर हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा हावी हो रही है, तो उसी दिन से अपने एक भाषण में उन्होंने कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजी भूल गया है। उस दिन के बाद उन्होंने अपने सारे लेख और भाषण हिंदी में दिए। एक बार जब गांधी जी लंदन गए तो एक बड़े अधिकारी ने उनसे अंग्रेजी में बात करी, तो उन्होंने कहा कि हिंदी में बात करो, मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजी भूल गया है। तो उन्होंने कहा आपको तो अंग्रेजी अच्छी आती है। बोले नहीं, मेरे देश के बात देश के वासियों को अंग्रेजी से लगाव ज़्यादा हो गया है, तो मैं अंग्रेजी भूल गया हूँ। ऐसे ही हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि विदेशी धरती पर हर जगह हिंदी भाषा में बोलकर हमारे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। जब हमारे राष्ट्रपिता व प्रधानमंत्री हिंदी भाषा में बोल रहे हैं, तो हमको भी अपनी भाषा में बोलने पर गर्व महसूस करना चाहिए और अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए। आज के वेबिनार समिति के संयोजक श्री रमेश जी परमार, सह संयोजक सुश्री सुंदर सिंह एवं सभी सदस्यगण जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया, भविष्य में इसी प्रकार के कार्यक्रम होते रहे। ट्रस्टी परिवार हमेशा आपको सहयोग करेगा, इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हिंदुस्तान और जय मातृभाषा। Thank you.
बोलने वाले को अनपढ़ गवार समझा जाता है और अंग्रेजी बोलने वाले को बुद्धिमान पढ़ा लिखा समझा जाता है। माना कि अंग्रेजी एक अधिकार की भाषा है, उसे उसे लिखना सीखना एक एक्स्ट्रा योग्यता है, एक हुनर है, प्राथमिकता नहीं। और इंग्लिश भाषा की नहीं है तो तकनीक समझने में हमारी मदद करती है, हम कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमारी भाषा को मूल रूप से देखा जाए। आज के दिन में हमारे पूर्वज महात्मा गांधी और स्वामी दयानंद जी को नमन करता हूँ, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए अपनी 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 जिंदगी समर्पित कर दी। अब ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि हम हमारी राष्ट्रभाषा को सम्मान को गर्व की तरीके से देखें और बोलते वक्त भी गर्व महसूस हो। हमारे यहाँ भारतवासी पहचान हिंदी, हमारे भारतवासी पहचान है, हम हिंदू हैं, हिंदू का हमारा है, जय हिंद जय भारत। मैं बोलना चाहूँगा कि
आवेदन कॉलेज की राजा ने मुझे आपकी सूरत देखा जा रहा है। सर्वण निवासी अपना माइक ऑफ करें। सर्वण निवासी
सुंदर और बोलचाल की भाषा का फिर सुंदर उदाहरण होते हुए आचार्य भट्ट द्वारा उद्बोधन किया गया। हमारे लिए इतनी धनी जीवन में होनी है, माँ की ममता की महक है हिंदी, माँ की ममता की महक है हिंदी, पिता के द्वार की छाया है हिंदी, पिता के द्वार की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान है हिंदी, भारत माँ का गौरव दान है हिंदी, भारत माँ का गौरव दान है हिंदी, प्राकृतिक वीर वीरांगनाओं की मातृभूमि है हिंदी, प्राकृतिक वीर वीरांगनाओं की मातृभूमि है हिंदी, हर भारतवासी के हृदय की जनता है हिंदी। और हिंदी की इस फैसला को आगे बढ़ाते हुए उद्बोधन की इस पंक्ति में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे मुख्य सचिव महोदय। जगह का चयन होने के बाद में
यहाँ का कार्य शुरू किया और कार्य शुरू होने के बाद में नियमित रूप से मैं सर और उस समय किशोर जी भी इनसे जुड़ गए थे, तो ये नियमित रूप से यहाँ आकर इसका कार्य देखते थे और बहुत मेहनत की लोगों ने। और यह आज ये महाविद्यालय भी जानता है कि किन लोगों की बदौलत ये इसकी नींव इतनी मजबूत है। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, इसी प्रकार इस महाविद्यालय में आप सभी का आश्रय बना रहे और आशीर्वाद बना रहे। बाबू जी का विशेष रूप से इस कॉलेज के ऊपर यह था कि यह कॉलेज कब मेरा आशीर्वाद के रूप में और सही रूप से संचालित हो, यह शुरू से उनका सपना था। तो वह सपना आज मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी पूरी टीम इस कार्य में आप सबको हर समय प्रयासरत रहेगी, दिन हो चाहे रात हो, जब भी हमें ऐसी जरूरत लगेगी कि अलग से समय की जरूरत है तो हम उसके लिए तैयार। महाविद्यालय परिवार की तरफ से मैं आप सबका आभार करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ और आप सभी परीक्षणार्थी को भी हिंदी दिवस की इस वेबिनार में आपका स्वागत करता हूँ। अब हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाई जाती है, जिस प्रकार बच्चा जब जन्म लेता है तो वह कोई भाषा बोल नहीं पाता, तो दो प्रकार की भाषा होती है, लिखित और मौखिक। तो उस समय वह ओरली रूप से भाषा का इस्तेमाल करता है, यानी मौखिक भाषा का इस्तेमाल करता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे परिवार के सानिध्य में वह भाषा सीखता है। और भाषा जब सीखता है तो अब परिवार में जो भाषा बोली जाएगी वही भाषा बच्चा सीखता है। अब आप ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको किस प्रकार की भाषा सिखाते हैं। लेकिन भारत एक विविधताओं का देश है जिसमें हर किलोमीटर के बाद में दुनिया चेंज हो जाती है, लेकिन एक बार मैंने एक लेख पढ़ा है जिसमें भारत में करोड़ों बोलियां और हिंदी की सहायक भाषाएं और उसमें से लगभग 1000 बोलियों की अभी संकट आ गया है कि उनका बचाव किस प्रकार किया जाए। भाषा हमारी एक संस्कृति मानी जाती है, हिंदी भाषा भी एक हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान की एक संस्कृति है जिसमें हम अभिवादन करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का जो बोलचाल में जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वह हमारे दिल से निकलने वाले शब्द। तो अब हमें क्योंकि हम भावी शिक्षक तैयार कर रहे हैं तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जो परीक्षणार्थी हैं उनको हिंदी के महत्व के बारे में हमें अधिक से अधिक उनको समझाएं और हिंदी के महत्व को समझाएं। और हमें हो सके तब तक अधिकतर हिंदी के भाषा के शब्दों का बोलचाल में उपयोग लाना है और उसको वास्तविक रूप में लाना है, क्योंकि पर्दे के पीछे तो हम क्या करते हैं हिंदी बोलते हैं, लेकिन जब पर्दे के सामने आते हैं तो हम इंग्लिश के शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा प्रभाव बताने के लिए इस प्रकार के उपयोग करते हैं। तो हमें बोलचाल में हो चाहे किसी भी प्रकार में हो हमारी संस्कृति की को धरोहर के रूप में हमें इस्तेमाल करना है। मैं अपने साथियों का और सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और इसके साथियों में अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। और उस बाहुल्य को मैं कहीं ना कहीं हमारी जो हिंदी भाषा है जो हमारी
वो अपनी पहचान छुट्टी कर लेंगे और उस पहचान के अंतर्गत हमारी मातृभाषा को किस प्रकार संजोया जाए उसके लिए हमारी एक छोटी सी पहल इस कार्यशाला के माध्यम से की गई है और हिंदी भाषा के राष्ट्रव्यापी महत्व को समझाते हुए वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में मातृभाषा का जो अस्तित्व है वो किस प्रकार को सिद्ध करेगा और इसी तरह में किस प्रकार हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए हम भारतीय अपने प्रयासों के द्वारा हम अपनी मातृभाषा को बनाए रख सकते हैं और इसी के अंतर्गत हमने तकनीकी शब्द प्रथम में हमारी अध्यक्षता हिंदी का उद्भव एवं विकास यात्रा जिनका विषय है हिंदी का उद्भव एवं विकास यात्रा एक नजर में के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अध्यक्षता श्रीमान खंडा जी। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबी विद्वान सफरुद्दीन ने अपनी जो रचना थी
जफरनामा जो 1494 में आई उसमें लिखा है, हिंदी एक विदेशी भाषा का शब्द है तथा यह ईरानी भाषा व फारसी लिपि में लिखा जाता है। तो इस तरह से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। अब मैं आगे के क्रम में हिंदी भाषा का विकास बताऊंगा। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं और केवल अपने भारत में 200 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारे भारत में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। इन भाषाओं को यानी 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवार में विभक्त किया गया और हिंदी एक भारतीय परिवार की भाषा है। भारतीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत और यूरोप की मिश्रण से बनी है, भारत और यूरोप के मिश्रण से बनी है। भारतीय परिवार भी दो भागों में बढ़ गया, एक सतम और एक केनुन। सतम परिवार से भी भारत और ईरानी इसके मिश्रण से जो भाषा आई वो भारतीय आर्य भाषा, और भारतीय आर्य भाषा को तीन भागों में विभक्त किया गया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। भारतीय आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा मानी जाती है। अब संस्कृत भाषा उस समय दो भागों में विभक्त हुई थी। संस्कृत भाषा का जो कार्यक्रम रहा वो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, और इसको दो भागों में विभक्त किया गया था या दो भागों में विभक्त हो चुकी थी। एक थी वैदिक संस्कृत, एक थी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो कार्यक्रम रहा वो 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व, और वैदिक संस्कृत में जो कि एक साहित्यिक भाषा थी और इसी भाषा में चार वेदों की रचना हुई, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और छह वेदांतों की रचना हुई जिसमें शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण और 18 पुराणों की आरण्यक और 108 उपनिषदों की रचना इसी वैदिक संस्कृत भाषा में की गई। लौकिक संस्कृत जो कि लोगों की बोलचाल की भाषा थी, उस समय लोग संस्कृत में ही संवाद करते थे, वार्तालाप करते थे। तो लौकिक संस्कृत को जब ये जो साहित्यिक भाषा थी हिंदी वैदिक संस्कृत की, तो पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी जो उनकी रचना है उन्होंने व्याकरण में नियमित किया था। उन्होंने इसलिए किया क्योंकि जब वो साहित्यिक भाषा थी वैदिक संस्कृत की वो बिखरने लगी थी, तो उसको नियम बोला कि व्याकरण में बाधा जरूर था। तभी पाणिनि जो महान विद्वान संस्कृत के, उन्होंने अपने जो अष्टाध्यायी ग्रंथ में व्याकरण को नियमित किया गया। उसी में जैसे वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की, अर्थशास्त्र की आपने चाणक्य ने रचना की, आर्यभट्ट ने काव्य प्रकाश और कवियों में सर्वश्रेष्ठ कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतला की रचना की। लौकिक संस्कृत बोलचाल की भाषा के रूप में विकसित हुई और धीरे धीरे पाली भाषा के रूप में आगे बढ़ी। पाली भाषा जिसका कार्यक्रम रहा 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईसा की पहली शताब्दी है 1 ईस्वी सन, भारत की प्रथम देश भाषा मानी जाती है पाली भाषा। गौतम बुद्ध द्वारा सभी उपदेश पाली भाषा में दिए गए। बौद्ध धर्म के जो त्रिपिटक माने जाते हैं उसमें शूद्र पिटक, विनय पिटक, हरिनाम पिटक और जितने भी जातक कथाएं थी वो इसी भाषा में रची गई थी। भाषा के दो रूप हमेशा प्रचलित रहे, वो है एक तो साहित्यिक भाषा और दूसरी है लौकिक भाषा। या हम साहित्यिक भाषा में कवियों के द्वारा, साहित्यकारों के द्वारा, रचनाकारों के द्वारा जो भाषा उपयोग में ली जाती है, जो एक सुव्यवस्थित होती है, व्याकरण दृष्टि से होती है, उसको साहित्यिक भाषा कहा जाता है। और एक दूसरी तरफ जो भाषा चलती है वो लौकिक भाषा चलती है, जो लोग अपनी बोलचाल की भाषा में उपयोग में लेते हैं। जब धीरे धीरे इस भाषा में नवीन शब्दों का निर्माण होता है, नवीन शब्द आते हैं, तो वही भाषा आगे जाके साहित्य का रूप लेने लगती है। तो इस तरह से ये हर भाषा हर 500 साल में परिवर्तन में आई है। और आगे इसके बाद पाली भाषा के बाद प्राकृत भाषा जो 1 ईस्वी सन से लेकर 520 ईस्वी सन तक चला इसका कार्यक्रम, जैन धर्म के जो ईश्वरी तीर्थकर महावीर स्वामी द्वारा सभी उपदेश प्राकृत भाषा में ही दिए गए। जैन साहित्यों को या जैन ग्रंथों को आगम साहित्य कहा जाता है। हेमचंद्र को
प्राकृत भाषा का पालन नहीं कहा जाता, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राकृत व्याकरण का प्राकृत व्याकरण की नाम की रचना उन्होंने की। इसी तरह से अन्य रचनाकारों का जैसे सर्वसेन, हरि विजय, उदयचंद पुल्ले माला और बतूल ने वीरावती नाम की रचना इसी भाषा में की। यहीं से प्राकृत भाषा अपभ्रंश के रूप में प्रसारित होने लगी। अपभ्रंश भाषा जो 500 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी सन तक चला, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है पतन, गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि ने अपनी रचना महाभाष्य में किया। अपभ्रंश 3 भागों में बटी, स्वरश्रेणी, अर्धमार्गी और मार्गी। स्वरश्रेणी में पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी मारवाड़ी हम बोल सकते हैं, अर्धमार्गी में पूर्वी हिंदी और मार्गी में उड़िया, असमिया, बंगाली और बिहारी, इन भाषाओं का प्रचलन था। अपभ्रंश के समय देसी भाषा युग बड़ी सरलता एवं मधुरता वाली भाषा का भी प्रचलन हुआ, उसी भाषा को अवध के नाम से जाना जाता है। अवध भाषा जो कि 900 ईस्वी सन से 1100 ईस्वी सन माना जाता है। अब आप ये कहेंगे कि अपभ्रंश भाषा का जो कार्यक्रम रहा वो तो 500 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी सन रहा, और अवध का जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है वो 900 ईस्वी सन से 1100 ईस्वी सन तक रहा। वो इसलिए क्योंकि अपभ्रंश भाषा जब चल रही थी उसी बीच में मतलब है कि अवध भाषा ने भी उपजय कर दिया, उद्भव हो गई थी, उस बोलचाल की भाषा में या देसी भाषाओं में अवध भाषा का प्रयोग किया जाता था। भोला शंकर ने अपभ्रंश के परिवर्तित रूप को अवध का नाम दिया। मैथिली कोकिल विद्यापति ने इसी भाषा में 2 रचनाएं की, तो कीर्ति लता व कीर्ति पता। अपभ्रंश भाषा के विभिन्न क्षेत्रीय भाषा रूपों एवं बोलियों से ही हिंदी भाषा का उद्भव हुआ, और आज अंत में हिंदी भाषा जो 1100 ईस्वी सन से अब तक हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी की उत्पत्ति स्वरश्रेणी अपभ्रंश से मानी जाती है। वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली कहा जाता है। तो इस तरह से एक हिंदी का सफर रहा, संस्कृत से लेकर आज हम हिंदी जो बोलचाल की भाषा में हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह से विकास क्रम रहा। भारत की राजभाषा हिंदी को 14 सितंबर 1950 को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और उसी दिन से हिंदी दिवस के रूप में हम प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा, और इसी कड़ी के आगे अग्रिम हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और एक कविता मैं प्रस्तुत करना चाहूँ। आज हर माता पिता गर्व से कहते हैं, आज हर माता पिता गर्व से कहते हैं कि उनका बच्चा हिंदी में थोड़ा कमजोर है, मगर इंग्लिश में नंबर अच्छे लाते हैं, मगर इंग्लिश में नंबर अच्छे लाते हैं। ये इसलिए क्योंकि हम हिंदी बोलने में शर्माते हैं। अंग्रेजी में अपना स्टैंडर्ड जमाने के लिए अंग्रेजी न आते हुए भी पूरा जोर लगाते हैं। प्राचीन भारत हिंदी भाषा का बोलबाला था, हिंदी में कविता, लेखनी और संगीत में उजाला था। माना कि आधुनिक युग में अंग्रेजी सिखाना जरूरी है, पर यह भी सच है कि हिंदी बिना भारत की पहचान अधूरी। आओ सब मिलकर हिंदी दिवस को अपना गौरव बनाएं, ये तभी मुमकिन है जब देश का हर व्यक्ति कदम बढ़ाए। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत। पहले पाली, संस्कृत और संस्कृत के गुरु
कविताओं
विचार को एवं इतिहास से भरी हुई है। इस तरह भारतीय सभ्यता और मूल्य साहित्य की में सुरक्षित है और वर्तमान पीढ़ी इसका पालन कर सके। इस दृष्टि से साहित्य का महत्व वर्तमान में बना हुआ है। आज की साहित्य का वर्तमान भारत की समस्याओं में पर्याप्त स्थान दे रही है। हर देश की भाषा उसकी संस्कृति और सभ्यता को पहचान देती है। साहित्य समाज का दर्पण है। यह प्रकृति के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रही है। अंतर अंत में आप सभी का हिंदी दिवस की अग्रिम शुभकामना देते हुए अपने बॉडी को विराम देने से पहले तो लाइन के माध्यम से समझा जाता है हिंदी दिवस के बारे में कि विविधताओं से भरे देश में लगी भाषाओं की फुलवारी है, जिसमें हमको सबसे पहली हिंदी मातृभाषा हमारी है। जय हिंद जय भारत। इस बात
अधिनियम करने की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 350 में जनसाधारण की शिकायतें दूर करने के लिए आवेदन में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा तथा प्राथमिक स्तर पर शिक्षण सुविधाएं देने और भाषाई अल्पसंख्यकों के बारे में दिशा निर्देशन देने का प्रावधान है। अंत में अनुच्छेद 351 में सरकार के पूर्ण कर्तव्यों और दायित्वों का उल्लेख किया गया है, जिनका पालन हिंदी के प्रचार प्रसार और विकास के लिए सरकार को करना है। ये थे 348 से 351 अनुच्छेद है, उनमें वर्णित बंद है। अब भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है, जिसमें सबसे पहले असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। और बाद में ये थी सबसे पहले भाषाएं थी, चौदह बाद में ये शामिल की गई भाषा थी सिंधी भाषा, कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा जोड़ा गया, कोंकणी को 71वें संविधान संशोधन 1992 और मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन 1992 व नेपाली को भी 71वें संविधान संशोधन 1992 में, यानी कोंकणी भाषा, मणिपुरी व नेपाली को 71वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में तब सम्मिलित की गई। उसके बाद में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा सम्मिलित किया गया। जो मैथिली थी, मैथिली जो भाषा सम्मिलित की गई वो क्यों की गई, क्योंकि मैथिली भाषा आदिकाल से ही अपनी साहित्यिक समृद्धि तथा बोली की मिठास के कारण मैथिली को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया। 8वीं अनुसूची में शामिल यह हिंदी की एकमात्र बोली है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक है संघ की राजभाषा नीति। संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी है। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप है, जैसा कि संविधान का अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है। परंतु हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकेगा। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 में ये बात लिखित है। संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है, परंतु राजभाषा के सभापति महोदय या लोकसभा के अध्यक्ष महोदय विशेष परिस्थिति में सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है, जैसा कि संविधान का अनुच्छेद 120 में उल्लेखित है। किन प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना, किन के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है और किन कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा प्रयोग किया जाना है, यह राजभाषा अधिनियम 1967, राजभाषा नियम 1976 और इसके अंतर्गत समय समय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया है। यह उल्लेखित है भारतीय संविधान, भारत सरकार की राजभाषा में। फिर एक राजभाषा नियम 1976 की राजभाषा जो नियम है 1976 के अंतर्गत कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया गया है, तो संघ के राज्य 3 भागों में बांटे गए हैं। जो संघ के राज्य बने हैं उनको राजभाषा नियम में 1976 में 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम क्षेत्र क में क से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। जो क क्षेत्र है केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र क में किसी राज्य या कोई मैंने भी आपको राज्य बताए हैं, वो राज्य केंद्रीय सरकार के क
धन्यवाद रेखा मैडम ने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपने भारत के संवैधानिक समूह को समझाया कि जब भारत की जो 1946 की बात हुई ब्रिटिश सरकार किस प्रकार की सरकार भारतीयों को स्थानांतरित करती बात को सुनने की है 9 दिसंबर 1946 में 9 दिसंबर 1946 को जब भारतीयों की संविधान निर्माण की सभा को जब ये ऐलान किया जाता है कि आप अपना संविधान पर कौन सी भाषा रखना चाहोगे तब संविधान निर्माण की सभा के समक्ष ये प्रश्न खड़ा होता है कि हम अपनी कौन सी भाषा रखें तब संविधान निर्माण की सभा एवं जो प्रधान जो प्रधान के महाराष्ट्र के प्रधान है आपकी जो सभा है उनके क्या होते दादा साहेब के क्या होते उन सबके क्या होते यदि भाषा को मातृभाषा के ऊपर ज्यादा ध्यान दिए एवं राष्ट्रभाषा की चर्चा ने भी मातृभाषा की चर्चा एवं महात्मा गांधी का राष्ट्र द्वारा भी हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा अपनाने की ओर गई 20 वर्ष के और जब हमारी सरकार निर्माण की सभा ने 342 और 342-1 में 342-1 में उन्होंने भारत की जो भाषा है हिंदी समक्ष और उसमें राजीव भावों के लिए भी भाषा दिए गए और राजीव भावों के लिए और स्पष्ट कैसे प्रतिशत के लिए हमारे सरकार ने मंत्रियों के द्वारा हिंदी भाषा को निर्भरता प्रदान किया गया है और बहुत ही सुंदर व्याख्यान लेखक मैडम द्वारा दिया गया संविधान के ऊपर और हमारी इस कार्यक्रम की रूपरेखा में तो आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी संस्कृति को बताने के लिए आपसे रूबरू होंगे श्रीमती श्रीमान मनोहर अभिगर श्रीमान मनोहर अभिगर सबसे पहले मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ श्रीमती चंद्रावल गुप्ता कॉलेज बासर रेवदर जिला सिरोही आदरणीय मुख्य ट्रस्टी महोदय श्री माँ हरीजी गुप्ता जी ट्रस्टी परिवार के सदस्य श्रीमती मीना गुप्ता जी मैम व श्रीमती नीतू गुप्ता जी मैम तथा ट्रस्ट के मुख्य सचिव महोदय श्रीमान मनीष जैन जी तथा श्रीमती चंद्रावल गुप्ता महिला पीवी कॉलेज अबू रोड के प्राचार्य डॉक्टर श्रीमती अलका गुप्ता जी मैम और हमारे रेवदर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा जी सर और समस्त स्टाफ अबरोड कॉलेज व रेवदर कॉलेज और दोनों कॉलेज के समस्त कर्मचारीगण व अध्ययनरत भावी शिक्षक आप सभी का एक दिवसीय वेबिनार में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं मनोहरलाल टेलर व्याख्याता इस वेबिनार का मुख्य विषय वर्तमान के परिदृश्य में हिंदी का अस्तित्व। मुझे हिंदी दिवस के इस कार्यक्रमशाला में उप विषय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की स्थिति के बारे में व्याख्यान प्रस्तुत करूंगा। स
सभी को मेरा नमस्ते। कोरोना वायरस 2019 ने दुनिया भर के लोगों को समझा दिया है नमस्कार का महत्व। मैं मुलाकात और सम्मान व्यक्त करने में नमस्कार का प्रयोग भारत में सदियों से होता आ रहा है और अब दुनिया के कई देश भी समझने लगे हैं इसके मायने। हिंदी विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है और जितना अधिक हम हिंदी और प्रांतीय भाषाओं का प्रयोग शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि में करेंगे उतने ही तेज गति से भारत का विकास होगा। भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1950 को भारत की जो राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया था, हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति रत्न का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके प्रयत्न से 10 जनवरी 1975 को नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन के दौरान रत्न में विश्व हिंदी विद्यापीठ की आधारशिला रखी गई। विश्व सम्मेलनों एवं इस प्रकार के आयोजनों की एक श्रृंखला भारत हो गई, जिसने हिंदी की विश्व में पहचान बनाने एवं हिंदी लेखकों में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क एवं संबंध बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन जो 14 सितंबर 1999 से लंदन में आयोजन हुआ, उसमें लिए गए संकल्प हिंदी के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह किस प्रकार है? पहला, हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकास। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना। तीसरा, विदेशों हेतु हिंदी का मानक पाठ्यक्रम तैयार करना। चौथा, विश्व हिंदी पत्रिका का प्रकाशन। पांचवा, हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारी भाषा बनाना। छठा, मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना। सातवा, हिंदी को राज्यभाषा और राष्ट्रभाषा का स्थान दिलाना। आठवा, भारत में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा। नौवा, विदेशी हिंदी लेखन के प्रकाशन की व्यवस्था एवं उसको पाठ्यक्रम में स्थान दिलाना। आज विश्व के लगभग 100 विश्वविद्यालय में हिंदी का पठन पाठन होता है। इसके अतिरिक्त अनेक संस्थाएं भी हिंदी के प्रसार प्रसार में लगी हुई है। हिंदी भाषा के अनेक दूर संचार के चैनल खुल गए हैं। हिंदी के गानों एवं चलचित्रों की मांग बढ़ रही है तथा विदेशों में हिंदी में चलचित्र बनाए जा रहे हैं। हिंदी के लेखक अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में भाग ले रहे हैं एवं अंतर्राष्ट्रीय रेजिडेंसी में चयनित हो रहे हैं। स्वतंत्रता के उपरांत अनेक वैज्ञानिक, इंजीनियर और डॉक्टर आदि इंग्लैंड, अमेरिका आदि देशों में जाने लगे हैं, जिनकी दूसरी पीढ़ी आज वहाँ हिंदी के ध्वजवाहक के रूप में कार्यरत है। बैंक, मीडिया, खेल उद्योग आदि क्षेत्रों में हिंदी की उपयोगिता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस तरह आज हिंदी नए नए रोजगार का प्रमुख आधार बन चुकी है। हिंदी से अपने विषय का निर्माण करने वालों के लिए आदि वेबसाइट सेवा में तत्पर है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि सारा विश्व हिंदी का महत्व जान चुका है। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वामी थे। अभी हाल में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अमेरिका में सभा को हिंदी में प्रायोजित किया जाना हमारे देश के लिए गौरवित है। आज विदेशों में हमारी संस्कृति, हमारी राजभाषा हिंदी को काफी प्रचलित है। हरे रामा, हरे कृष्णा के भजन विदेशों में गाए जाने लगे हैं। यह हमारे लिए देश के लिए सम्मानीय गौरव की बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन किया जाता है। घोषणा की थी तभी से हिंदी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सन 2020 तक दुनिया की सबसे ज्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा बन जाएगी। आज विश्व का हर पांचवा व्यक्ति हिंदी बोलने अथवा समझने में सक्षम है, तो 2030 तक विश्व का हर 70 व्यक्ति हिंदी बोलने अथवा समझने में सक्षम होगा। अपने शब्दों को यहीं पर विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।